यस कम ऑन स्टार्ट करो। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, ऑडिबल नहीं है। नहीं है आवाज सर, अब आ रही है। हाँ भाई बोलो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिया, आई एम नॉट दिस टॉपिक इज बैडली अबाउट। हाँ हाँ आवाज सही नहीं है आपकी। कुछ प्रॉब्लम है आपके देखने में। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज मनीषा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामबान ऑनलाइन इंटरप्रेटिव क्लासेस फ्रॉम बैच 12। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट माय फ्रेंड। माय फ्रेंड नेम इज, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड बट माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज। एक मिनट, आप है ना थोड़ा सा लास्ट वाले एस को मिस करते हो हमेशा। लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स आना चाहिए ना। लॉट्स ही बोला है, फ्रेंड बोला था, फ्रेंड्स बोलना था ना। और I have lots of friends, but my best friend name is। फिर गड़बड़ कर दिया आपने। बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड्स, मित्र का नाम तो ध्यान रखो ना थोड़ा सा। आप कब ध्यान रखोगे बताओ मेरे को। आप ओनली वन ले रही हूँ। अरे तो मित्र का नाम बोलोगे तो फ्रेंड्स नेम आएगा ना। आप पजेशन वाला एस नहीं लगाओगे क्या है? तो yes, आप बार बार ये गलतियां करें। आप तो ठीक करो ना इनको, अपन कोई दो चार साल थोड़ी चलना है प्रोग्राम अपना। बोलो। यस सर, माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज शशि, सी इज अबाउट 19 इयर्स ओल्ड एंड ही रीड इन शी रीड इन रीड्स रीड्स रीड्स। मैडम एस को तो बिल्कुल ही मिस करते हो आप हमेशा ही। मैं नहीं बोलू तो कैसे काम चले। हाँ बी ए सेकंड ईयर इन 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 कनोडिया कॉलेज। सर हमने 2 साल साथ में पढ़ाई की। वी रेड टुगेदर 2 years। सिंपल सा बन रहा है सेंटेंस। आप आज कंफ्यूज हो रहे हो, घबरा रहे हो आप। रेड टुगेदर 2 years इन माय सीनियर क्लासेस। Then we अलग अलग कॉलेजेस में जाने लगे। टू के साथ वेंट क्यों आएगा? टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है। टू सर वो अलग, तो अलग अलग कॉलेज में, मतलब पता नहीं थॉट्स को मिक्सअप कर देते हो या पता नहीं सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर पाते हो, कभी कभी क्या हो जाता है तुम्हारे को? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आप गड़बड़ को और ज्यादा उसको वो करने लग जाते हो। बोलो। यस सर, सी इज अ वेरी नाइस गर्ल, सी इज अ वेरी पोलाइट एंड काइंड गर्ल, सी इज हार्ड वर्कर, सी इज वेरी हार्ड वर्कर एंड सी हेल्प्स मी लॉट्स ऑफ टाइम व्हेन आई हैव एनी प्रॉब्लम। We share our problems with each other. Sometimes we talk each other for sir as say normally. Informally. Informally, and but I
आई सर मुझे बहुत समय हो गया है। बट इट हैज बीन मच टाइम टू मीट हर she loves food is dosa, golgappas, etc. And she likes reads book, and nowadays she takes a coaching. She goes to a coaching. Goes to a coaching of IAS. She is a very beautiful girl, and she is very honest. She is very honest, and a good friend is like a medicine. He helps always in their problems, and he cares me, and I cares also. I love him, and I'm proud of her. I am proud of her. That's it. मनीषा अभी बहुत जरूरत है आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हो नहीं सुनते हो? ध्यान से सुनते हो क्या या एक बार बस जल्दी से सुन के छोड़ देते हो? नहीं सर, आप सुना करो और अभी आपको बहुत जरूरत है, अभी थोड़ा ध्यान दो, आप अभी फोकस करो, आप अभी है ना। एक तो उस रटने वाली प्रवृत्ति से बाहर नहीं आ पा रहे हो अभी आप, रट करके जो सुनाया जाता है ना स्कूलों में उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो अभी आप, अभी आपके बोलने में पता चलता है ऐसा है ना। थोड़ा सा ध्यान दो अभी आप और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो आप। आप जब एक ही फ्रेज को या एक ही शब्द को या एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हो ना, तो वो इस बात का सिंबल है कि वो रटने की बीमारियां हैं सारी। जब अपन रट के सुनाते हैं ना तब होता है ऐसा, क्लासेस के अंदर खड़े होके जब टीचर्स अपने से पूछते हैं ना और अपन वो सुनाते हैं रटा हुआ, तब ऐसा होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे ना, थोड़ा सा आप उससे बाहर आओ। हालांकि उन्होंने तो जितना तबाह बर्बाद करना था कर दिया, लेकिन आप थोड़ा सा बाहर आओ आप, बिकॉज आप बहुत हार्डवर्किंग हो और इंटेलिजेंट हो, उस फेज से बाहर निकलो आप, है ना। Yes, बाकी सब ठीक है, आप कोशिश करते रहो बस, बात ये है ना। चीजों पे ध्यान दो चीजों पे थोड़ा सा। यस रिया आ रहे हो क्या? हाँ इतनी देर मत लगाया करो आप रुक जाओ, बाद में करेंगे आप। आपका सही नहीं आ रही आवाज, अभी भी नहीं आ रही है। शिवम आ जाओ। यस सर। कैमरा चालू करके बोलोगे नहीं तो मत बोलो। हाँ यस सर बोलो। माय नेम इज शिवम, आई एम फ्रॉम रामबाण ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस फ्रॉम B12। आई एम टॉकिंग अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज दुष्यंत कुमार। बेस्ट फ्रेंड्स अभी अभी मैंने मनीषा को समझाया है, छोटी सी बात भी नहीं समझ पाओगे क्या आप? बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज दुष्यंत कुमार, ही इज ऑल्सो इन 10th क्लास, बट ही इज इन हिंदी मीडियम एंड आई एम इन इंग्लिश मीडियम। वी बोथ टाइम सर समय एक साथ बिताया, इसका क्या होगा? वी पास्ट वी स्पेंट अवर टाइम टूगेदर। वी स्पेंट अवर टाइम टूगेदर अबाउट 4 to 5 years। नहीं ये तो फिर वही लगाओ ना आप, ऐसे कैसे आप बनाओगे? वी स्पेंट 4 to 5 years टूगेदर। वी स्पेंट 4 to 5 years टूगेदर, वही तो बात होगी ना फिर। हाँ बट नाउ ही इज इन हिज विलेज। हाँ बट इन पास्ट वी बोथ
वी बोथ डू मैनी एंटरटेनमेंट. क्या मतलब? हम दोनों ने एक साथ बहुत सारे मजे किए. इन पास्ट वी एंजॉयड टुगेदर. वी एंजॉयड टुगेदर. हिज फेवरेट कलर इज रेड एंड हिज फेवरेट फूड इज क्या बोल सर वो आता है ना एक गोल फली डोगली. हाँ. एंड हिज फेवरेट क्लोथ्स आर टी शर्ट एंड जींस. दोस्त के बारे में नहीं बोल पाएंगे तो क्या बोलेंगे जिंदगी में अपन? दोस्त के बारे में 10 लाइनें भी नहीं बोल पाएंगे तो क्या बोलेंगे जिंदगी में अपन? है क्योंकि वो रटा हुआ सिस्टम है ना अपने पास. तो अभी रटने के लिए दे दो, अभी सारा बोल लेंगे अपन. रटवा दो तो सारा बोल लेंगे. माइंड तो काम करता ही नहीं है ना अपना. सीधी सी बात कह रहा हूँ मैं तो भैया. नाराज हो तो हो जाना. अब देख लो आपकी कैपेसिटी. आप 9th क्लास के अंदर हो, फ्रेंड के ऊपर नहीं बोल पा रहे हो. आप इंग्लिश मीडियम में वैसे हो आप. क्या फायदा है ऐसे इंग्लिश मीडियम का? आग नहीं लगा देनी चाहिए ऐसे इंग्लिश मीडियम में? हाँ, बड़े खुश हैं सब, पूरा मोहल्ला खुश है बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है. बच्चे की कैपेसिटी 4 सेंटेंस बोलने की नहीं है अगर अचानक से बोल दिया जाए तो, और वो भी फ्रेंड जैसे टॉपिक पे. हाँ, सोचो थोड़ा सा, एनालिसिस करो अपना. मेरे तो हिंदी मीडियम वालों का बेस्ट रिजल्ट होता है हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों से. आपने भी देखा होगा और देख लेना अभी आगे कभी मौका मिले तो. हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों की तो बहुत हालत खराब है. देख लो आप बैठे हो ना सामने. बुरा लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा आपको ऐसे बोल रहे हैं सर. नो सर, जंगल में छोड़े आओ ले जाके. आईना दिखा रहा हूँ. अब इसमें भी आपको डर लगता है तो कोई क्या कर सकता है? देख लो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो. आप रियलाइज करो थोड़ा सा चीजों को. ये नाम के लिए इंग्लिश मीडियम है, इससे तो हिंदी मीडियम ही पढ़ लेते ना, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते आज. आप इंग्लिश मीडियम वालों की सोचने की कैपेसिटी हिंदी मीडियम वालों से कम होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स की. क्लियर है ये बात? कोई माने या ना माने इस बात को, बोलो आगे बोलो. मैं तो आईना दिखा रहा हूँ आपको. भैया बुरा लग रहा हो तो लग रहा होगा. He is living in my grandma house on rent. इसीलिए सेल्फ राइटिंग करवाता हूँ. सेल्फ राइटिंग इसीलिए करवाता हूँ और किसी चीज के लिए नहीं करवाता हूँ, जिससे कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े. इन हिज फैमिली मेंबर्स देयर आर 5 members. सोच ही नहीं पा रहे अपन. समझ में आ गई सेल्फ राइटिंग के लिए क्यों बोलता हूँ? Yes, समझ sir. में आ गया होगा आपको शायद अब. यस सर. ऐसे बोलोगे देखो आप, कभी दीवार पे देखना है, कभी पट्टियों पे देखना है, कभी पंखे पे देखना है. सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया देखेगी. चलो बहुत है, अब इतना और कितना करवाओगे? हो गया ना, देख लिया? यस सर. देख लिया ना सोचने की क्यों मैं सेल्फ राइटिंग करवाता हूँ? यस सर. अच्छा, और ये हिंदी मीडियम वाले को सुन लेना. अब ये ले हिंदी मीडियम वाले को सुन ले. तू 10th में आया है और ये अब 10th का एग्जाम दिया है इसने शुद्ध हिंदी मीडियम से. सुन ले ले इसको. Yes sir. Hello everyone. My name is Ichha Singh and I am the student of Brahman Online Interactive Classes from batch B12. And today I am telling about my best friend. I have so many friends, but Lavi is my best friend. She is about 13 years old and she reads in 10th class. She is not my classmate, but we are very close friends. She is my home's friend. And we always play
टुगेदर वी ऑलवेज प्ले टुगेदर एंड वी समटाइम वी गो टू टेम्पल विच इज वेरी फार बट वी गो टू टेम्पल बाय अवर साइकिल्स एंड वी ऑलवेज गो टू पार्क डेली वी ऑलवेज गो टू पार्क डेली एंड वी एंड हर हर फूड इज बर्गर एंड हर फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड शी इज वेरी काइंड एंड शी इज हर आई ऑलवेज कॉल हर मोटी एंड शी ऑलवेज कॉल मी इच्छु एंड शी इज वेरी गुड गर्ल हर नेचर इज वेरी वेल एंड she always give her mobile phone because and I play games in her mobile phone and she always spend her time with me and she is very naughty and sometime he rebuke me sometimes she rebukes me but I like her rebukes and sometimes she sir डांट मेरे को अब वो रिब्यूक आ गया ना and we are very closest friend and we can't live without sir ek ke bina hum nahi reh sakte without each other okay we can't live without each other and her hobby is navy sorry her hobby is dancing playing and singing she doesn't like to play games on mobile phones she is very intelligent and last year uske usme mark sheet mein itne क्या बोल रही है the last year makes she makes marks in her result about 95% last year she got 90% marks हो गया last year she got 90% marks she loves me and I also love her she loves she has not father but his mother but her mother is her father because she very love his her mother she loves her mother very much she loves her mother very much she loves her mother very much and she has only one sister but she always call me that I am also her sister and she has not brother so she always sir rakhi bandhti hai mere bhai she always tie okay she always tie rakhi in my brother's on my brother's hand and she loves my family members and I also love her family members and she likes little
सर छोटे बच्चे लिटिल चिल्ड्रन बोल ना तो क्या दिक्कत आ रही है मैं कॉन्फिडेंस टोन यूज कर रही है एंड सी हैज अ साइकिल वी ऑलवेज साइकिल इन द इवनिंग एंड एंड वी गो टू मार्केट विद ईच अदर एंड नहीं टुगेदर कर दो ना विद ईच अदर की जगह वी ऑलवेज गो टू मार्केट टुगेदर एंड आई होप वी विल बी ऑलवेज बेस्ट फ्रेंड्स आई होप वी विल ऑलवेज रिमेन बेस्ट फ्रेंड I hope we will always remain best friends and because we can't live without each other she always helps me and she always understand my all problems and she always solves my all problems and sometimes my family she comes my home and she understand my sir samjhati hai she tells my family she tells my family and my family is and my family becomes happy and my family all my family also love her because she is very good girl and my family and my I love her and she also love me and I am proud of my best friend that's it sir. Very good bahut acha sun liya shivam dekh liya she is from hindi medium aap do sentence bolne ke baad are aur kya bolun aur kya bolun aur kya bolun dikha diya na difference maine ye sab apne upar depend karta hai beta apna interest apna bahut kuch depend karta hai aur iske bina to iske jitna to tum karte bhi nahi hoge तुम्हारे पास तो केवल पढ़ने का काम है तो घर का पूरा काम करती है सुबह से लेकर रात तक ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं मैं समझ गए बेटा कोई कुछ नहीं करेगा आपको ही करना पड़ेगा जो भी करना है आप किसी इंतजार में मत बैठे रहो लाइफ लाइफ आपकी है सर दो सेंटेंस बोलते ही तो और क्या बोलूं ये हाल हो जाता है आपका क्योंकि आपका बेस ही रटने पे टिका हुआ है पूरी तरीके से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं पर इंग्लिश मीडियम में अच्छा करने वाले बच्चे मुश्किल से 5% होते हैं 10% होते हैं इससे ज्यादा नहीं होते हैं मर्जी आपकी है मैं तो आपको आईना दिखा सकता हूँ आपको बता सकता हूँ अच्छी बुरी बातें आपका इंटरेस्ट भी एक चीज होती है बच्ची ने एक बार भी बोला और क्या बोलूं एक बार भी कहीं इधर उधर देखा छत पे देखा दीवार पे देखा तू तो पूरे कमरे के अंदर तेरी नजरें चल रही थी और क्या बोलूं जैसे कहीं लिखा हुआ हो वही ढूंढ रहे थे ना आप रटा हुआ दिस इज द डिफरेंस यस शुभम हेलो एवरीवन माय नेम इज शुभम टेलर एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामबान इफेक्टिव रामबान ऑनलाइन इफेक्टिव क्लासेस फ्रॉम बैच B12 Today I am telling about my best friend. Although I have many friends. सुनो अब अपने भाई को भी आप ध्यान से. Although I have many friends, but Anand Sahu is my best friend. We know each other
we know each other from childhood. He is also my neighbor. Our families are also known very well. He is now studying in BSc nursing second year, and he is now studying in BSc nursing second year in Subodh College, Rambagh, Jaipur. After some time we do not meet each other physically because before some time मैं कुछ समय से तो आप बोलेंगे ना for some time नहीं हम कुछ समय तक पहले हम एक दूसरे से नहीं मिले थे ऐसे ही कह रहे हो अभी 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 बोल रहा हूँ अभी कुछ समय के लिए हम नहीं मिले अच्छा for some time ठीक है for some time for some time we can we have not present perfect tense आएगा नहीं मिले हैं we have not met with each other we have not met each other physically because of my study I am presently living in Kota and he is living in Jaipur he is a simple person he likes to help each other he wears simple shirt and pants he also likes the modern fashion he have a cycle also whenever I go to Jaipur we ride cycles to each other सर मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ एक बार है ना वी राइड साइकिल है ना ईच अदर I have also many friends like Pradeep Kumar Bhil and Rohit Saini Pradeep Kumar Bhil Rohit Saini also है ना they are also my best friends he also advised me to study very well and I also advised him to and I also advised him in his family he has 7 sisters and he is only one man in his family but he did not like his but he didn't like nahi karta hai but he don't like his doesn't sister he doesn't like his sister because they were so rude he also tells many things in his life and I also do it He likes to watch TV and new releasing movies. Whenever I go to Jaipur, I also watch films together him. Together him, you. We also watch TV with him. हाँ, we आ गया तो with him कैसे आएगा? We also watch TV together.
तो टुगेदर आ गया ना, साथ साथ देखते हैं। नहीं अगर टुगेदर को हटा दें तो आई आएगा फिर उधर, मैं उसके साथ देखता हूँ, हम उसके साथ देखते हैं कैसे हो जाएगा। हाँ दोनों वाला भी होगा फिर। हाँ तो वी आल्सो वॉच टीवी टुगेदर एंड योर फिल्म। He also and I like to visit he also like to visit different kind of places. We make several times of plans to visit other places, but due to some reasons nahi gaye. We do not apply this plan. His nature is very good. Always help me in my problems, and I also help him in his problems. We contact by phone. Make contacts by phone. His study base was strong due to his preparation of IIT JEE about 2 years. So whenever I am in a problem in my study, I can help. मैं उससे help ले लेता हूँ सर। I take his help. In my studies, हो गया? एक मिनट सर, हो रहे। I hope that we remain friends. Forever. Forever. वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश की है। सेल्फ राइटिंग क्यों करवाता हूँ, इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी शायद अब आपको। बिना सेल्फ राइटिंग के आप नहीं कर सकते हो, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की। रट करके भी नहीं कर सकते हो आप, ये भी गारंटी दे रहा हूं मैं। चीजें बहुत अलग होती हैं, जो हमको दिखती हैं वो अलग चीजें होती हैं, जो होती हैं वो अलग चीजें होती हैं, समझ गए ना। हर पीली चीज जो दिखती है ना वो सोना नहीं होती है। हमेशा अपने मार्कशीट में नंबर ला करके हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। देख रहे होंगे शायद आप लोग, अगर रियलाइज करने की कैपेसिटी है तो, अगर रियलाइज करने की कैपेसिटी है तो रियलाइज कर रहे होंगे कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। ये दोष आपका नहीं है, सबसे बड़ा दोष है आपके पेरेंट्स का इसमें, उनका एम्बिशन होता है ना। शुभम तुम्हारा कौन सा मीडियम रहा है? मीडियम सर है हिंदी मीडियम। देख लिया डिफरेंस, समझ में आ गया? देख रहे हो ना, और मैं तो रोजाना देखता हूँ भाई, मैं तो रोजाना देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले कर नहीं पाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं वो, या तो गॉड गिफ्टेड होते हैं या बहुत मेहनती होते हैं। प्रैक्टिकल है आपके सामने, देख लो आप। यस सर, कैन आई स्पीक? हाँ बोलो रिया। यस सर, माय नेम इज रिया एंड माय टुडेज टॉपिक इज टेलिंग अबाउट माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। My best friend's name is Pratibha. She is my best friend.
she is amazing girl. You know, her qualification is graduate. Sir, graduated ही कहेंगे या फिर graduation? Her qualification is graduate. वो मतलब graduation complete. She is graduate कर दो ना आप. She is graduate. She is graduate. Her hobby is dancing, traveling and enjoy the. सुनो आप ध्यान से, सुनना भी चाहिए. With her friends. सुनने से भी हमारी thinking capacity बढ़ती है, केवल रटने से नहीं बढ़ती है. रटने से तो बढ़ती नहीं है. खैर हाँ बोलो. She got very nice number in her college. She is a very simple girl. She knows cooking. She is fighting UPSC examination. She is preparing for UPSC examinations. She is preparing for UPSC examination. Her favorite color is red. She has helping behavior. She helps me always. We both are going outside and she helps me everywhere. We enjoyed our time. Tense का ध्यान रखो रिया, tense का ध्यान रखो थोड़ा सा. ओके सर. She knows Rajasthani language and Hindi. She loves English language, but she performs very bad in English. She loves Hollywood movies, and we both go to watching movies. शाबाश, ऐसे ध्यान रखोगे तब ठीक होगा. She is soft spoken. She is punctual. She gets up early in the morning and she is very hard working girl. She does everything perfect. Perfectly. She tells me every time, focus on your study. She helps me in studies. She cooks different types of dishes for me. My family members know her very well. She has a naughty nature. She was very popular in school for her studies. She is a nice. She is a great dancer. सब थॉट्स से नहीं आ पा रहे. वो बात नहीं, काफी आ गए. और फोकस करो. राइटिंग वर्क कर रहे हो क्या? हाँ सर कर रही हूँ, पर काफी कम हो रहा है क्योंकि अभी 19 तारीख से एग्जाम है. कोई बात नहीं, ठीक है, काफी है. आप रूटीन में रहो, बस रेगुलर रहो आप. यस सर. है ना? हाँ ओके, चलो कोई बात नहीं, काफी है. रूटीन में रहो आप. बहुत दिनों में आपको, मतलब इतने दिनों से सोए हुए थे ना आप, जगने में टाइम तो लगता है. प्रैक्टिस की चीजें हैं ये, और एक लंबा गैप हो गया. एक अच्छे से हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब चिंता मत करो तुम, ठीक है? पहले से अभी जब मेरे पास आए थे और अब 10 दिन पहले 15 दिन पहले जब आप मेरे पास आए थे और अब में कितना डिफरेंस है, आप तो ये नोट कर लो बस. स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी जब राइटिंग करती हूँ, जैसे आपने टॉपिक दिया था तो उसमें तो काफी ज्यादा, मतलब दो दो तीन तीन फर्क होता है. फर्क होता है
अगर हम 5 पेज लिखेंगे ना तो 2 पेज ही बोल पाएंगे, उसमें से फर्क होता है। लिखते समय हम अंडर प्रेशर नहीं होते हैं, बोलते समय अंडर प्रेशर होते हैं, लेकिन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है अपनी पॉजिटिविटी से, ठीक है ना। आप ये रियलाइज करो कि अभी थोड़े दिनों पहले जब आप मेरे पास आए थे और अब में कितना डिफरेंस है। यस सर, इम्प्रूवमेंट तो काफी सारा। बस वही चीज आपको आगे ले जाएगी, वो रियलाइजेशन जो है ना आपका, वही चीज आपको आगे ले जाएगी, ये ध्यान रख लेना। इसी से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ओके सर, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। और हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि पिछले 15 दिन में मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको हमेशा अगर ऐसा लगता है कि भैया मैं तो महीने भर पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हूँ, अगर आप रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं उस चीज को, तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी होता है और इंटरेस्ट भी चाहिए ऑनेस्टली, तब जाकर के आगे बढ़ पाते हैं। करते रहो आप कोशिश, कोई बात नहीं है। संगीता मैडम। यस सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संगीता। टुडे आवर, एज यू नो, टुडे आवर टॉपिक इज माय फ्रेंड। ह्यूमन बीइंग्स लिव इन ए सोशल सोसाइटी, so he always need a friend. I am lucky, I have lots of friends, but Shashi Agarwal is my best friend. She live with my village. In my village. We read together, we go together school with each other. But we go to school together, together ही कर दो ना। Okay sir. She is very intelligent girl. She always stand comes to first in the class. She respect our teachers, and teacher also love her. Her behavior and nature is very nice. She play with me badminton in the evening. She cooks food very delicious. She is hard working on his work. When I stuck any problem, she solve my problem. She always speak polite and truth. My family also know her, and her family also know to me. We spend our time together. थॉट नहीं आ रहा, एक मिनट। घबराओ मत। सी ऑलवेज टेक पार्ट इन माई इन ऑल क्रिएटिविटी वर्क। हर हॉबी इज रीडिंग, गार्डनिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। हर फेवरेट कलर इज लाइक
pink. कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं ठीक है, आप ऐसे डिसअपॉइंट मत होना, जितने आ रहे हैं ठीक है, ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना है। She helps to the poor person या needy person। हाँ ठीक है। His behavior is faithful। I am lucky. I have such a good friend. बहुत बढ़िया। That's it, sir. बहुत बढ़िया। Realize करो पहले में और अब में क्या difference है। Honestly realize करोगे तो लगेगा कि हाँ, language कुछ takes time to learn a language. Yes. Yes, sir. Priya. Yes, sir. My name is Priya Basua. I am the student of Ramban Interactive Classes, page B11. My topic is my best friend. My best friend name is Sangeeta Basiwal. She is about 18 years. She is my true friend. True, She go to school together. She go to school together कैसे हो जाएगा? नहीं. We go to school together हो जाएगा. School together. हाँ. She is a very good girl. She wear simple cloth. Wears. Sorry, इसका ध्यान रखना. Wears. Yes sir, yes sir. But she live in भरतपुर नहीं बल्लूपुरा। शी इज ए रिलीजियस गर्ल। बहुत बढ़िया। शी वॉच टीवी। वॉचेस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, वर्ब फॉर्म का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। She like very much watch TV. She respect all and she is a very intelligent girl. She play with me. She has a two sister. She does not has a brother. She does not have brother. एक मिनट सर। घबराओ मत। She is a polite. A लगा रहे हो तो she is a polite girl, या A मत लगाओ फिर खाली polite लिखना है। Okay. She is a polite. She respect all the teachers and the principal. Principal love to her. All the student
she helps all the students. All the students love her. She cooks the food daily. She remains. Her mother remains ill. Okay, sir, ill. So she cooked the food daily. She read in government school. maternal grandparents कर दो आप. नाना नानी बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है. She lives with नाना नानी, कोई बात नहीं है, चलेगा. She live her maternal parents. हाँ, with her maternal parents. कोई बात नहीं है, आज लेट उठी है तो. हाँ सर, आज पता ही नहीं क्या हो रहा है. स्कूल की छुट्टी चालू हो गई क्या? हाँ सर. कब से? 2 दिन हो गए. अच्छा, चलो घर पे ही हो अब तो आजकल, है ना? हाँ ठीक है, और मेहनत करो अभी जम के जरा. ओके सर. है ना? हाँ चलो, मनीषा आ जाओ. यस सर. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मनीषा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ रामबान ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास फ्रॉम बैच बी 12. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माय आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट इट इज माय बेस्ट फ्रेंड. आवाज नहीं आ रही आपकी, साहब आवाज साफ नहीं आ रही आपकी. शशि इज माय बेस्ट. माइक कौन है? शुभम भैया माइक बंद करो आपका. शी इज वेरी पोलाइट एंड काइंड गर्ल. हिज बिहेवियर इज वेरी नाइस. हर बिहेवियर इज वेरी नाइस. शी इज अबाउट 19 इयर्स ओल्ड एंड नाउ शी रीड इन सेकंड ईयर इन कनोरिया कॉलेज. We know each other in school days in my 11th class. In my 11th class, and we set each other in my classroom, and in classroom, and she is very very honest girl. She is an intelligent girl, and she likes horror movies, and lot of time she told me the story of horror movies, and I afraid that so in school days she came back she came from my back and afraid me told that who and at present we have not meet each other about 1 years. 1 year. देखो बार बार one year. लगभग हर शब्द को दो बार बोलते हो आप. ना ये रटने के सिम्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे स्कूलों में जो रटवाते हैं ना, ये वो सिम्टम्स हैं सारे के सारे. यस. हाँ. सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. एंड वी मिस्ड ईच अदर
and she is very intelligent girl. In 12th class, her percentage is about 75%, and nowadays she goes, she takes RS classes in Samyak coaching and she prepared she became an RS. बनना चाहती है, she wants become an RS. वर्ब फॉर्म का ध्यान रखो, become in RS in future, and she is a helper girl. She helps all people and she helps me many times, and we share our problems with each other, and she is a beautiful girl, and उसका behavior हसमुख स्वभाव की है. She is cheerful girl, cheerful and naughty girl. And she loves me and I love also her. I am proud of her. And I proud of her. I am proud of her. She believe in God, so she goes to temple every Saturday. I know her family and my family know her, नहीं तो इसको ठीक करो, आप गलती कब तक करते रहोगे? ये निकलता है वैसे. She doesn't come at my home, but my family know her because they see her on video call and talk with her, and her behavior is very nice. ध्यान रखो थोड़ा सा. हाँ, she knows all members of my family and I also know the members of her family. चाहे कम बोलो पर अच्छा बोलो, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात. लेंस चाहे कम हो पर अच्छा होना चाहिए. बोलो बोलो. Yes sir. She likes visiting and she goes many places for visiting, like Jodhpur, and nowadays she has gone Jaisalmer for visiting with her family, and she is a very intelligent girl. बहुत गुंजाइश है भी आपके अंदर. सबका हो गया ना? तो थैंक यू. देख रहे हो कैसे बोलना आता है, स्कूलों ने क्या दिया.